नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अब त्योहारों की झड़ियाँ लगने वाली हैं, तो मैंने सोचा कि इस बार रक्षाबंधन के लिए कुछ नया सा शेयर किया जाए। तो मैंने लिया है बेसन, तो मेरा लगभग ये 4 कप बेसन है। अगर वजन में देखिए तो 400 ग्राम के लगभग हमारा ये बेसन है। और इसमें मैंने डाला है 2 कप दूध। पूरे भैया 2 कप दूध लग जाएंगे, लेकिन अभी मैंने इसमें 1 कप और आधा कप, 1.5 कप दूध इसमें डाल के और इसे अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया है। तो फेंटने के लिए आप किसी चम्मच का यूज कर सकते हैं या मिक्सर का यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से आप इसे बिल्कुल अच्छे से स्मूथ सा फेंट के तैयार करेंगे। और मेरे पास जो आधा कप दूध बचा हुआ था वो भी मैंने डाल दिया है, और इसका एक बहुत ही स्मूथ सा बैटर जो है हमारा रेडी होने वाला है। और वो आधा कप दूध डालने के बाद ही मेरा लगा कि ये गाढ़ा सा है, तो मैंने इसमें आधे कप जैसा दूध और डाल दिया। दूध अगर आप डालें तो ये नहीं है कि ये पतला होने वाला है, इसका टेंशन नहीं है, क्योंकि इसे हम लोग जब भूनेंगे तो ये सारा जो टेक्सचर है ये गायब हो जाएगा। और देखिए बिल्कुल कितना स्मूथ सा बैटर जो है वो बन के रेडी हुआ है। और इसे हम लोग 10 मिनट के लिए बिल्कुल ढक के छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम एक कढ़ाई को चढ़ाते हैं गैस के ऊपर और इसके अंदर डालते हैं घी। 1 कप पूरी जो है उसी कप से घी है जिस कप से हमने बेसन लिया था। और घी को बिल्कुल हमें गर्म नहीं होने देना है, बिल्कुल जब गुनगुना सा हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे 1 कप के हिसाब से 1 चम्मच सूजी। तो हमने 4 कप बेसन लिया है, तो मैंने 4 छोटे चम्मच इसमें सूजी डाले हैं। और इसे बिल्कुल 1 मिनट के लिए हम लोग धीमी आंच पे ही बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे ऐसे ही फ्राई होने देंगे। और इसके बाद जो हमने दूध वाले बैटर को रखा है घोल के उसे इसके अंदर डाल देते हैं। तो दोस्तों ये इसके अंदर बहुत अच्छे से सूजी जो है वो क्रंच लेके आता है बर्फ़ी के अंदर, बहुत अच्छा सा लगता है, इसलिए सूजी जो है ज़रूर यूज करें। और सूजी आप पहले अगर डाल देते हैं तो जो हमारा बैटर है वो कढ़ाही के अंदर चिपकेगा नहीं। तो सबसे अच्छी बेनिफिट इसकी यही है कि सूजी जो है हमारा बेसन को सीधे कढ़ाही के अंदर चिपकने नहीं देता है, तो सूजी ज़रूर डालें। और इस तरीके से हम लोग इसे भूनना शुरू करते हैं। और ये भूनने में टाइम लेता है दोस्तों, तो आप बिल्कुल घबराए ना और बिल्कुल आराम से स्लोली स्लोली आप अपना ये काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से भून के रेडी होता है। बिल्कुल जो हमारे गैस के फ्लेम है उसे बिल्कुल लो रखेंगे। और शुरू में जो हमारा घी लग रहा था कि सिर्फ घी ही घी दिख रहा है, तो वो घी जो है देखिए बिल्कुल धीरे धीरे होते होते बिल्कुल हमारे कढ़ाही से गायब हो गया है दोस्तों। तो इस तरीके से जब आप भूनना शुरू करेंगे धीरे धीमी आँच पर, तो देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो इकट्ठा होना भी शुरू हो गया है। और इसके बाद हमारे जो घी है कढ़ाही से वो बिल्कुल गायब हो गए हैं। तो देखिए कितने अच्छे से रेडी हो रहे हैं। और देखिए आगे ये बहुत अच्छे से बनने वाले हैं दोस्तों। और अपने हाथ से बनाया हुआ मिठाई से ज़्यादा और क्या हो सकता है, खुद को सेटिस्फेक्शन देने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। और देखिए अगर आपका कढ़ाही में थोड़ा सा लगता जाए तो उसे आप खुरच कर साफ़ कर दें, ताकि हमारी जो है ये कढ़ाही के अंदर जले ना। और बहुत अच्छे से आराम से आपका निकल भी जाने वाला है ये। और देखिए हमारा जो बेसन है कितने अच्छे से भून के रेडी हो रहा है दोस्तों, और बिल्कुल और अच्छा लग रहा है। तो मैंने 4 कप बेसन लिया, तो मैंने इसमें लिया है तकरीबन 1.25 कप, 1 कप और 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने लिया है चीनी। आप मीठा जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है बिल्कुल 1 कप उसी कप से पानी। और इसे हम लोग एक तरफ डाल देंगे गैस पे ताकि ये गर्म होता रहे। हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे घोल के तैयार कर लेना है। हमारे शक्कर जो है वो घुल जाना चाहिए। और देखिए हमारे बेसन जो है कितने अच्छे से भून के रेडी हुए हैं, और हमारे जो है ये चीनी वो भी बिल्कुल रेडी है। तो मेरा जो चम्मच है वो थोड़ी सी गर्म हो गई थी, तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल जो है खिल खिल कर बिल्कुल तैयार है हमारा बेसन, बिल्कुल खिला खिला सा है ना, बिल्कुल अच्छा सा मैजिक वाला। देखिए बेसन कितने अच्छे से खिल गया है। जो बेसन शुरू में बिल्कुल क्या क्या भरते की तरह लग रहा था, घोल की तरह लग रहा था, वो देखिए कितना अच्छा से खिल के तैयार हुआ है दोस्तों। और इस तरीके से आप इसे तैयार हो जाने दें। थोड़ा सा मैंने कहा ना कि इसमें थोड़ा सा टाइम आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन ये मिठाई बहुत अच्छी बन के रेडी होती है दोस्तों। और सेम प्रोसेस से आप इसे
लड्डू भी बना सकते हैं। बेसन के लड्डू आप सेम प्रोसेस से बना सकते हैं। और देखिए बेसन जो है कितने अच्छे से हमारे रेडी हुए हैं, भून के बिल्कुल हो गया ना, क्या कहते हैं, बिल्कुल पाउडर वाले फॉर्म में बेसन वापस आ गया, जैसा हमारा बेसन शुरू में हुआ करता है वैसे वाले फॉर्म में हमारा बेसन जो है वो आ गया है। और देखिए बिल्कुल भी कढ़ाई के तले में ये चिपका नहीं है, मैं आपको दिखा दूँ कि बिल्कुल भी चिपका नहीं है और बिल्कुल फ्लो कर रहा है। अगर आप इसे करछे से रख के गिराएं तो बिल्कुल फ्लो, और हमारी चीनी भी बिल्कुल घुल के रेडी है। तो बस हमें इतना ही इसे घुलना है, हमें कोई भी चाशनी की तार नहीं बनानी है। और हमारे बेसन जो है आप देख सकते हैं दोस्तों कि बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में आ गया है। और इसी फॉर्म पे बिल्कुल आप जो सूप हमने चीनी पिघला कर रखा है उसे आप डाल दें और बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे चलाते जाएं। तो इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से चलाएंगे, मिलाएंगे तो ये बहुत अच्छे से आप इसे पकाएंगे। चीनी डालने के बाद इसे लगभग 3 से 4 मिनट पकाना होगा, या कहें जब तक ये कढ़ाई न छोड़ने लगे तब तक हम इसे पकाएंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, और ये बहुत अच्छे से बनके रेडी होने वाला है दोस्तों, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। तो देखिए कितने अच्छे से रेडी हुए हैं ना ये, और बिल्कुल भी अभी ये पकने में थोड़ी सी टाइम और लेने वाली है हमारी जो बर्फ़ी की मिक्सचर है वो। और अभी हमारा जो है ये इकट्ठा नहीं हो रहा है, थोड़ी देर में बिल्कुल ये इकट्ठा होने लगेगा। और जैसे आपको लगे कि हाँ ये चिपक रहा है, थोड़े से खुरच के कढ़ाई को बिल्कुल साफ़ कर लें, और बहुत अच्छे से हमारा जो है ये तेल छोड़ना भी अब शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसे देखिए कितने अच्छे से बन के रेडी हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चिपक रहा है, तब हम लोग ये कहेंगे कि हमारा जो है मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे चला लें। और मैंने लिया है एक, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, मैंने केक बनाने वाला टिन ही ले लिया है, और इसमें एक बैटर पेपर डाला है, थोड़े से उसमें रिफाइंड या घी जो भी बनकर आप लगा के, और उसके ऊपर थोड़े से खरबूजे के बीज डाल दीजिए गार्निश करने के लिए, बहुत अच्छे से बन के रेडी होने वाले। और मैंने सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल दिया। जब लास्ट में आपको तेल छोड़ना शुरू हो जाए कढ़ाई के अंदर, तो आप समझ जाएं कि मेरा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। और इस तरीके से आप इसे सेट कर ले अच्छी तरीके से, ताकि आपकी जो है ये बर्फ़ी बहुत सुंदर से बन के निकल के आए। और जब सेट कर ले तो उसे कम से कम आधे घंटे के लिए यूं ही छोड़ दे अपने आप ठंडा होने के लिए। इसके बाद हम लोग इसे डिमोल्ड करेंगे, और देखिए ये कि कितना अच्छे से बन के रेडी हुआ। तो डिमोल्ड करने के लिए मैंने लिया है एक थाली, जिसे मैंने पलट के, और उसके ऊपर जो हमारा केक वाला टिन था जिसके अंदर मैंने बर्फ़ी सेट किया हुआ था, उसे इसके अंदर ही ऊपर ही पलट लिया है। देखिए कितने अच्छे से बन के रेडी हुआ है दोस्तों, बिल्कुल अच्छा वाला बर्फ़ी लग रहा है ना, सुंदर वाला। और बिल्कुल घर के बेसिक सामान से, 3 चीज़ों से बना है हमारा ये बर्फ़ी, तो बहुत अच्छा से बन के रेडी होता है दोस्तों। देखिए बिल्कुल इसकी लुक जो है कितनी अच्छी सी आई है। तो इसके बाद इसे हम लोग एक शार्प चाकू लेते हैं, और उसकी मदद से इसे पहले चिन लगा लेते हैं दोस्तों, और उसके बाद इसे हम लोग कट करेंगे। तो आपको जितनी भी बड़ी बड़ी पीसेस बनानी हो उतनी बड़ी बड़ी ही इसमें कट का निशान लगाएं और इसे आप काट लें। तो मैंने पहले कट का निशान ही लगाया है, क्योंकि मुझे ये सोच रही थी कि कैसे काटूं, तो मैंने निशान लगा लिया है और इसे इस तरीके से काट। दोस्तों हर बार पीसेस करने के पहले चाकू की सारा धार को आप साफ़ ज़रूर कर लें, क्योंकि साफ़ कर लेंगे ना तो पीसेस जो है वो आपकी क्लियर कटेंगी, नहीं तो चाकू की धार में थोड़ी सी लगी रह जाती है तो पीसेस जो है ना वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े से कटते हैं। तो आप ये बात का ख्याल रखें, और चाकू का धार जरूर से आप एक बार साफ़ कर दें, हर पीस काटने के बाद साफ़ कर दें, बहुत अच्छे से आपके पीस बन के रेडी होते हैं दोस्तों। देखिए कितने अच्छे से बेसन की बर्फ़ी हमारी तैयार है दोस्तों, बिल्कुल सॉफ्ट सी मुँह में घुल जाने वाली बेसन की बर्फ़ी हमारी रेडी हो गई है। तो इस त्यौहार में आप ज़रूर से बनाएं बेसन की बर्फ़ी, बिल्कुल घर में बेसिक सामान से, और घर में मौजूद जो हमारी चीज़ें होती हैं बस उसी से दोस्तों। और देखिए कितने अच्छे से बनके रेडी हुए हैं हमारे बेसन के बर्फ़ी। तो इस त्यौहार के मौसम रक्षाबंधन के अवसर पे आप ज़रूर बनाएं घर में खुद से अपने भाइयों के लिए बेसन की बर्फ़ी, जो बनेगी बहुत ही सुपर टेस्टी और सुपर सॉफ्ट।
ये बहुत अच्छे से बन के रेडी होती है। हमें इसके लिए कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसके लिए ना ही मैंने मावा लिया है ना ही कुछ और सामान, बस घी बेसन और थोड़े से दूध से बन के रेडी हो गए हैं बिल्कुल सॉफ्ट से हमारे बेसन की बर्फी, जो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से मुँह में घुलने वाली बन के रेडी हुई है दोस्तों। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने इस मौसम तो बना दिया है बेसन की बर्फी, तो आप भी अपने घर में ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।